हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बच्चे आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास सुपर शॉर्टकट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ मैथ्स। तो ध्यान से इन सब चीजों को देखना। जैसा कि मैंने एक बिग अनाउंसमेंट के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था आप लोगों को कि बेटा मैं आपको हर दिन एक नया ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आज उसकी शुरुआत है, तो ध्यान से उन सब चीजों को कैरी करना और कैरी अप करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास को बाय यूजिंग द ट्रिक नंबर वन, जो कि आपके पास किसके रेस्पेक्ट में, मिक्स क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में सबसे पहले जो होगा उसको अपन ध्यान से देंगे, ठीक है। तो ध्यान से उस चीज को कैरी अप करो और कैरी अप करने की कोशिश करो, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास को बाय यूजिंग द ट्रिक्स। तो बच्चों देखना, हियर इज द वन सुपर शॉर्टकट्स, शॉर्टकट ट्रिक्स टू सॉल्व जेई मेन्स क्वेश्चंस। अपन इसको स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के अंदर और देखेंगे क्या क्या शॉर्टकट्स हैं हमारे पास जो आपके यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात, पहला शॉर्टकट जो आपके पास है यहाँ पर, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है बच्चों, लेट एफ ऑफ के। पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखो कि यार ये क्वेश्चन कितना लेंदी है और किस बेसिस पर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसके क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, आपको इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा क्या, हाँ एफ ऑफ के एक्स है और 1/k। अब यहाँ पर F4 चाहिए और F6 चाहिए, तो सबसे पहले बेटा k की जगह 4 प्लेस कर दो, यानी एफ ऑफ 4 ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ 6 ऑफ एक्स, इसके बारे में करना है। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए टाइम लगेगा। तो 1/4 यहाँ पर बच्चा पुट कर देना, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर कितना, 4x प्लेस कर दिया, माइनस का 1/6 ऑफ साइन की पावर कितना, 6x प्लस कॉस की पावर कितना, 6x। अब बेटा ऐसा वैल्यूज जहां पर ये वैरी करता है, तो मैंने एक्स की जगह बेटा यहाँ पर पुट करने की कोशिश करी, सेम मैंने 90 प्लेस किया, एक्स की वैल्यू 90। ये ट्रिक यूज करके काम कर सकते हो, एक्स की जगह 90 प्लेस किया, साइन की पावर 490 प्लस कॉस की पावर 490 माइनस 1/6। आप कुछ और वैल्यूज भी प्लेस कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप यही वैल्यू पुट करो, बट इससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कॉस 90 जीरो होता है, ये खत्म और ये वाली चीज भी खत्म। तो 1/4 साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस का 1/6। जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट, मैंने छोटी सी गड़बड़ कर दी है, वेट अ मिनट बच्चों। हाँ ये यहाँ पर आपका क्या है, साइन। तो बस साइन प्लेस कर देंगे अपन यहाँ पर, साइन की पावर 690, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो 1/6 माइनस 6 और 24 एलसीएम, 6 माइनस का कितना 4, 2/24 यानी 1/12 इज द राइट आंसर। लेट्स सी 1/12 इज द राइट आंसर। हियर इज द सुपर शॉर्टकट्स ऑफ दिस ट्रिक। तो आराम से बेटा इस टाइप के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के अंदर आप लोग ऐसे ये वर्डिंग्स प्लेस करके काम कर सकते हो और बहुत अच्छे से इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो। लेट्स सी द अनदर वन। अब आपके पास बेटा ये आ गया, टैन ए 1 माइनस का कितना कॉट ए प्लस कॉट ए 1 माइनस का कितना टैन है। इस टाइप की अगर हमारे पास फॉर्मेट आ जाए तो आपको क्या करना है और किस तरीके से ट्रिक को अप्लाई करना है वो अपन आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहली बात बेटा, यहां से ए दिख रहा है, क्या ए को आप 45 डिग्री प्लेस कर सकते हो? बट जैसे 45 प्लेस करोगे, कॉट 45 कितना होता है 1 और 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो गड़बड़ है। तो आप ए की जगह माइनस 45 पुट करो, इससे आपका ये 0 नहीं बनेगा। तो अपन उसी चीज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं 45 से आपका काम बनता है या नहीं बनता, बिल्कुल आसानी से। तो ध्यान से इस चीज को देखते हैं। तो tan अपन ने यहाँ पर प्लेस किया बेटा, tan 45 अपॉन 1 माइनस का, tan माइनस का 45 तो माइनस का आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बच्चा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैं तो अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ टाइम लगेगा, बट ये चीज आप डायरेक्टली कर सकते हो मुंह जबानी और आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस का प्लस का कितना हो जाएगा 1, फिर cot 45 माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस का 1 अगेन, तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 दैट इज माइनस का कितना 1। अब आंसर आपको यहां पर प्लेस करके सिर्फ देखना है कि किसका आंसर माइनस 1 आ रहा है। अब ये वाली चीज आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे आपको स्ट्राइक कर गया ये करना है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली माइनस वन कर दो, यहाँ पर आप डायरेक्टली माइनस वन कर दो, तो ये दोनों वन हो जाएंगे। यहाँ पर आप डायरेक्टली माइनस वन कर दो, ये माइनस वन कर दो, तो वन प्लस वन हो जाएगा। तो आपका माइनस वन बाई टू डायरेक्टली, ये वाली इतना काम करने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना ये बिल्कुल ईजी मस्त था।
अब बेटा यहाँ पर प्लेस करो साइन 45 वन बाय रूट टू, कॉस 45 वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू, वन बाय टू प्लस का वन थ्री बाय टू, ये तो नहीं आ रहा, तो ए इज नॉट द आंसर। सेक 45 कितना होता है बेटा, कॉस 45 का उल्टा मतलब रूट टू, कॉस सेक कितना होता है, हाँ साइन वन बाय रूट टू, तो रूट टू प्लस रूट टू कितना थ्री आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, दैट्स नॉट द आंसर। टेन 45 वन, कॉट 45 वन, तो अरे अरे माइनस 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 प्लेस करना था, सॉरी बच्चों मैंने अभी शायद प्लस का पुट कर दिया है, तो ये आपका टेन 45 वही माइनस का वन बाय रूट टू, ये आपका प्लस का वन बाय रूट टू यानी माइनस का वन बाय टू आएगा। तो बच्चा जब माइनस का वन बाय टू आएगा, एक बार मैं दोबारा कर देता हूँ इसको ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। हाँ कौन सा ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन अपन देख लेंगे अभी इसके अंदर और वेरी अप कर देंगे, ठीक है। मुझे क्या प्लेस करना है, माइनस का 45 प्लेस करना है। टेन माइनस 45 कितना होता है बेटा, माइनस का वन बाय रूट टू, और कॉस 45 कितना होता है, माइनस का वन बाय रूट टू प्लस का वन, तो ये माइनस का वन बाय टू और प्लस का वन, वन बाय टू नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेक 45 वन, हाँ सेक 45 कितना रूट टू, कॉस 45 कितना माइनस का वन बाय रूट टू, तो माइनस का वही माइनस का कितना रूट टू, प्लस का कितना वन, उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना आ गया बेटा, माइनस का टू प्लस का वन, डेट इज माइनस का वन। तो आंसर मुझे लग रहा है कि बी होगा, बट चेक कर लो कहीं और कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा, मतलब और किसी के अंदर माइनस वन वैल्यू तो नहीं आ रही, वैसे नहीं आएगी। टेन माइनस 45 कितना माइनस का वन, कॉट माइनस 45 कितना माइनस का वन, ये माइनस टू हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। सेक माइनस का रूट टू, तो सॉरी मतलब माइनस का 45, माइनस का कितना रूट टू, और प्लस का यहाँ पर कितना कॉस एक 45 माइनस का, तो माइनस का अगेन कितना रूट टू, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। आई होप सो ये दोनों ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, मैंने बोला था मैं दो दो करके ट्रिक्स आपको बताऊंगा, तो ध्यान से इन सब ट्रिक्स को फॉलो अप करिएगा और करने की कोशिश करिएगा। टिल देन अगली ट्रिक अगर आपको चाहिए, और अगली ट्रिक आपको बहुत अच्छे से चाहिए, तो बेटा जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको चीजें बहुत अच्छे से डेली रूटीन पर मिल जाएंगी, कि डेली मैं आपको दो दो ट्रिक, एक एक दो दो ट्रिक आपको डेली बताऊंगा, ताकि आप लोगों का बर्डन भी ज्यादा नहीं हो और आप लोग बहुत अच्छे से उस चीज को समझ के कर सको। टिल देन साइन ऑफ माय स्लाइड, बाद में कल मिलते हैं वेरी मच अगली ट्रिक के साथ और अगले उसके साथ, ठीक है, ओके बच्चों।